ये है यमुना जी और गंगा जी किधर है? ये गंगा जी यार, गंगा जी इधर है और ये सरस्वती जी। हाँ, इसका कुछ चार्ज भी लेते हैं क्या यहाँ? चार्ज ये जो है गंगा मैया ने बनाती है। अच्छा। कोई गवर्नमेंट के काम नहीं है यहाँ। देखिए लहर कैसी आ रही है, वाव, ये देखिए, ये देखिए गजब भाई यार, ये देखिए वाव हिल रहा है नाव। गजब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपको अपने डिस्कवर ब्रज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कुंभ मेला और माघ मेला में आप बोट से कैसे स्नान करते हैं और कितना चार्ज लगता है, कितना पैसा लगता है और लोग यहाँ क्यों आते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत से बोट लगे हुए हैं और इसी में से किसी एक बोट को मैं लूँगा और जाऊँगा वहाँ पे स्नान करने और फिर आपको बताऊँगा कि कितना चार्ज लगता है और क्या इससे जुड़ी जितने भी जानकारी है वो सब बताऊँगा। और ये किला तो आप जानते ही हैं, राजा अकबर जो थे उसी का यह किला है। तो चलिए चलते हैं, किसी इसमें से किसी एक बोट को लेते हैं और फिर वहाँ चलते हैं। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बोट पे यहाँ पे बैठ चुका हूँ और ये देख सकते हैं इधर भी बोट का, देख सकते हैं कितना यहाँ पे बोटिंग के लिए यहाँ पे तैयार है। और इधर आप देख सकते हैं साइबेरियन पक्षी, अभी नज़दीक जाऊँगा तो बहुत से आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी मैं इसका रेट बताऊँगा तो बने रहिए हमारे चैनल पर कि कितना लिए भाई साहब ये बोटिंग का और रिजर्व में कितना जाते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं गजब का नज़ारा है साथियों, इधर का भी सीन देख सकते हैं आप। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और नहाने से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए ये वीडियो देखते रहिए कि भैया कितना चार्ज लगता है और कैसा सफ़र है हमें वो संगम तक जाने का, ये सब पूरा अपडेट फुल देने वाला हूँ। देख सकते हैं साथियों एक नाव यहाँ पे खुल चुकी है, ये लोग जा रहे हैं, शायद बुकिंग में जा रहे हैं, हम लोग बुकिंग में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर सवारी जा रही है, मतलब कि ये सवारी लेंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे क्योंकि भैया ये नाव है ये मल्लाहों के खून से चलता है। ओके, तो पैसा तो देना पड़ेगा उन लोगों को, तो बने रहिए। अभी लाइफ जैकेट नहीं दिए हैं, अभी लाइफ है जैकेट देंगे फिर पहनूंगा फिर आपको बताऊंगा। ये देखिए गजब का दृश्य है साथियों। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लाइफ जैकेट पहन चुका हूँ और ये नाव खुल चुकी है। अब चलिए चलते हैं मेन संगम में और ये अगर लाइफ जैकेट अगर नहीं पहनूंगा तो भैया ये नाव वाले हैं उनको फाइन देना पड़ जाएगा, तो ये पहनना जरूरी है। अगर आप आते हैं तो भले ही अगर कुछ मत करिए लेकिन ऐसे ही लगा के पहने रहेंगे तो सही रहेगा। ओके, और ये देखिए यहाँ पे अभी तो माघ मेला चल रहा है तो क्या क्या जुड़ी माघ मेले से जानकारी है इसका वीडियो तो आपको चैनल पे तो दिख ही रहा होगा। और ये देखिए बस पहुँचने ही वाले हैं, अभी तो खुला ही है और यहाँ से करीब 20 मिनट लगेगा मेन संगम में जाने के लिए, फिर आपको दिखाऊंगा क्या सीन है वहाँ का। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ चिड़ियों के लिए दाना बेच रहे हैं। कैसे है भैया दाना? 10 का 20 का एक दे दीजिए तो 10 वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ रहे हैं, 10 वाला दाना यहाँ पर देंगे। ये देखिए मतलब ये ऐसे आप ऐसे ही बेचते रहते हैं ना घूम घूम के, तो यहाँ पर देख सकते हैं दाना है, अभी चिड़ियों को खिलाएंगे, ये साइबेरियन जो पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये देखिए साथियों मतलब आप ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दाना दे रहे हैं और ये देखिए चिड़िया मस्त, ये लोग चिड़िया मतलब कि केवल ठंडी में ही आती है ना? गजब, 4 महीना रहती है। अच्छा 4 महीना रहती है। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा दाना आ गया है और ये मैं खिलाऊंगा। और ये जो चिड़िया आपको दिखाई दे रही है ये सब 4 महीने तक यहाँ रहती है और होली बाद यहाँ से निकल लेगी, यानी कि पूरा ठंडी भर यहाँ पे रहती है ये लोग चिड़िया, तो बहुत ज़बरदस्त लगती है साथियों। देखिए चिड़िया आया, ये या भैया दाना लगे तो सब मत फेंक दीजिएगा भैया। वाह देखे कितना खतरनाक आ गया साथियों। यहाँ जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये बीच में जो लगा हुआ है जो फोम करके मतलब कि डिवाइडर, ये इसलिए ऐसा लगाया गया है क्योंकि अभी यहाँ पे माघ मेला स्टार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी क्राउड है यहाँ पे। ओके, यहाँ से जाने के लिए इस साइड से आप जा सकते हैं, जब वहाँ स्नान कर लेंगे तो फिर उधर से वो वाला रोड आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये जो बैरिकेड किया गया उसके बगल से आपको वापसी आना है। आप देख सकते हैं उधर से पूरा नाव आ रहा है और पुलिस देख सकते हैं यहाँ पे जो NDRF की टीम है ये सब ऐसे ही यहाँ पे मतलब कि पेट्रोलिंग करते हैं। देख सकते हैं इन लोगों की इतनी ज़बरदस्त, ये देखिए लहर कैसी आ रही है, वाव, ये देखिए
गजब भाई यार, ये देखिए वाओ हिल रहा है नाव। गजब क्या मजा आ गया, ये देखिए गजब हिल रहा है। ऐसा ही सुनामी आती है साथियों, वो आया और मतलब कि खींच के लेके चल गया। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह, मतलब कि नदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जो कि ये लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि कहीं पे कोई दुर्घटना ना हो, और कोई भी अगर यात्री मतलब कि जा रहे हैं स्नान करने तो ये जो आप दिखाई दे रहे हैं लाइफ जैकेट पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ये सब मतलब कि यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। और यहीं से ये देखते रहते हैं कि नाव वाले मतलब कि इधर तो नहीं आ रहे हैं इस साइड, क्योंकि उन लोगों को वापसी के लिए उधर जाना पड़ता है, वो वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है उधर से जाना होगा। ओके, तो चलिए बस जस्ट पहुंचने ही वाले हैं संगम के पास, वही मेन संगम है और वहीं पे जाते हैं, थोड़ा स्नान करेंगे और आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कितना खर्चा लगा और कितना समय लगा। ओके साथियों, अभी हम जिस पे चल रहे हैं जो नदी पे, ये है यमुना नदी। ओके, और यमुना नदी पे ही बोटिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर यहाँ पे ज़्यादा है और गंगा नदी का जलस्तर कम है, इसके लिए यमुना नदी पे ही बोटिंग होती है। और बस जस्ट पहुँच गए हैं संगम के पास, मेन संगम आपको जो दिखाई दे रहा है यहीं पे देख सकते हैं, एक लाइन से कितना यहाँ पे लाइन लगी हुई है बोटों की, और यहीं पे सब आते हैं स्नान करते हैं, और जो पितृ विसर्जन होता है उन लोग के लिए भी यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे यही इसका सीन है। और चलिए अब ये नाव वाले लगाते हैं साइड में, फिर आपको वहाँ पे जाता हूँ और फिर आपको नहाता हूँ और फिर आपको सीन दिखाता हूँ कैसा यहाँ पे घाट बना हुआ है और गंगा जी कैसी दिखती हैं। और इधर देखिए NDRF की टीम, देखिए यहाँ पे कैसे ये मतलब कि चल रहे हैं, मतलब कि पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हैं हर नाव वाले की यहाँ पे झंडा लगा हुआ रहता है कि हम यहाँ पे हैं यहाँ पे हैं, तो इन नाव वाले का झंडा उधर कहीं होगा तो जाएंगे वहीं पे, क्योंकि इनका एक घाट बना होगा तो वहीं पे नहाएंगे। ओके, और पुलिस की तैनाती पूरा है चारों तरफ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी लेना चाहते हैं गंगा जमुना का, जो मेन संगम का, तो यहाँ से आप ये जो बिक रहा है आपको प्लास्टिक का जो बोतल, यहाँ से आप लेके आप यहाँ से जल भर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ आते हैं तो एकदम आरामदायक और सुखदायक आपको समय यहाँ पे व्यतीत हो सकता है आपका, क्योंकि भैया यहाँ आने के बाद मन पूरा एकदम शांत हो जाती है और तृप्त हो जाती है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं नदी का कितनी तेज धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, क्योंकि उधर से गंगा जी आ रही हैं और इधर आप देख रहे हैं ये यमुना जी है, और यहीं पे पूरा एकदम मिक्स हो रहा है पानी दोनों का। ओके, यहीं पे संगम है और बीच में आपको एक धारा दिखाई दे रही होगी, वही है सरस्वती जी की धारा। ओके, देखिए वहाँ पे हेलो गाइस बोल रहे हैं वो लोग। और चलिए अब चलते हैं पास में और आपको दिखाते हैं कि नज़दीक से क्या नज़ारा है। और साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं इधर का सीन, ये ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ खड़े होकर मतलब कि चलना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोला कि भाई थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए इधर देख सकते कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ओके, और इधर से जब बस गंगा जी यहाँ पे आ चुकी हैं और अभी मैं यमुना जी पे हूँ, और देखिए कितनी तेज़ धारा है यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लोग देख सकते फूल पूजा पाठ करके इधर के जल को प्रदूषित कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे सफाई के लिए भी बहुत से ऐसे मशीनें चलाई गई हैं। ओके, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं दम बीच संगम में मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पूछते हैं कि क्या यहाँ की फैसिलिटी है और किधर गंगा जी है और किधर यमुना जी है। तो बताइए भैया, ये इधर से यमुना जी आ रही है, इधर से गंगा जी आ रही है, यहीं पे स्नान होता है। ये जैसा कि आप साथियों इधर देख सकते हैं, कैमरा मैन को बोलूंगा दिखाने के लिए, इधर दिखाइए, ये है यमुना जी और गंगा जी किधर है? ये गंगा जी यार, गंगा जी इधर है, और ये सरस्वती जी अंडरग्राउंड है नीचे। तो सरस्वती जी नीचे, यहाँ पे जो घाट बनाया गया है, जैसे कि क्या कैसा घाट कैसे नहा रहे, क्योंकि पानी त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम पे घाट बनते तब स्नान होता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब क्या चीज का घाट बनाया गया है? प्लेटफार्म, दो नावों के बीच में प्लेटफार्म बनते तब स्नान होता है। यहाँ इसका कुछ चार्ज भी लेते हैं क्या यहाँ? चार्ज क्या, जो आपने बोला है वही है, चार्ज तो लगता है, सुबह बनाते हैं शाम को निकाल लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब कि यहाँ पे बहुत दिन पहले ही मतलब घाट बना दिया जाता है श्रद्धालुओं को नहाने के लिए? शुरू से बनता चला आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी स्नान होता है, गंगा माँ का महत्व जागता है। जी जी जी, तो साथियों चलिए उस घाट को भी दिखाता हूँ कैसे लोग यहाँ पे नहाते हैं, और आपको बताता हूँ कि कैसा वो घाट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर,
ये देखिए यहाँ पे नारियल भी है, सब यहाँ पे चढ़ाते हैं, पूजा उजा की सब व्यवस्था है। और यही देखिए दोस्तों यहाँ पे लकड़ी का तख्त के यहाँ पे घाट बनाया गया है और यहाँ पे जल भी धार सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सब स्नान कर रहे हैं। नीचे क्या मिट्टी है कि तख्त है? ये जो है गंगा मैया ने बनाती है। अच्छा। कोई गवर्नमेंट के काम नहीं है यहाँ। अच्छा, तो गंगा माँ बना देती है, सारे अपने माँ बेटी बेटा सब परिवार सुख शांति के लिए माँ को बना देती है स्नान करने के लिए। अच्छा, इतने बड़ा तीर्थ स्थान पे माँ गंगा बनाती है कि और कौन बनाता है? समझ रहे। और ये जो मतलब कि ये गंगा जी है ना, और इधर यमुना जी है। यमुना है। अच्छा अच्छा। और ये गंगा जी का दूसरा पानी रहता है और यमुना जी का जहाँ दिखाई देता है कहाँ? यमुना का पानी आपने ग्रीन कलर देखा होगा। जी जी, उधर यमुना का पानी जो है मटमैला है। अच्छा अच्छा। और यही बीच में संगम है। हाँ, बीच में संगम है। सरस्वती दोनों का बीच में अंतर्वाहिनी गुप्त धारा माता है। अच्छा, तो चलिए साथियों मैं इस नदी में स्नान करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ त्रिवेणी संगम का कैसा यहाँ पे नजारा है। ओके साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्नान किया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खड़े हैं भाई साहब, उतना ही पानी था, सबसे ज़्यादा यहाँ पानी था। तो यहीं मैं 2-3 डुबकी यहाँ पे लगाया हूँ। ओके, बाकी पानी बहुत ठंडा था। और ये देखिए घाट यहाँ पे जैसा कि बनाया गया। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अस्थियाँ विसर्जन करने, क्योंकि यहाँ पे पांडा लोग और पंडित लोग भी यहाँ बैठे रहते हैं। तो वो लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप मतलब पूजा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर चाहेंगे तो मतलब कि थोड़ा वही दान पुण्य होता है, जितनी जिसकी शक्ति होती है वो उतना यहाँ आकर अपना मतलब कि पैसा दे सकते हैं और यहाँ पे अस्थिया को विसर्जन कर सकते हैं। साथियों जैसा कि आपने देखा कि मैं गंगा स्नान कर लिया यहाँ पे त्रिवेणी स्नान, और वो देख सकते हैं जैसा कि मैं उस रास्ते से गया था। ओके, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, और इधर से मैं वापस जा रहा हूँ। वो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, ये बैरिकेड किया गया है क्योंकि उस साइड से जाना है और इस साइड से आना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेला स्टार्ट हो गया है, इसीलिए नाव आपस में न टकराए, इस वजह से ऐसा किया गया है यहाँ पे। ओके साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ, यही ये बोट है जिसकी सहायता से मैं वहाँ से संगम स्नान करके मैं यहाँ पर पहुँच गया। ओके, और आपको बता दूं कि इसका जो चार्जेस हम देना पड़ा जो कि 60 रुपये है पर व्यक्ति, अगर सिंगल जाते हैं सरकारी रेट 60 रुपये है, अगर आप बुकिंग में जाते हैं तो 300 से 400 आपसे डिमांड कर सकते हैं। और इन लोगों के खास बात एक बता दूं, जो कि 3-4 लोग बैठाए रहते हैं उनसे बोल देंगे कि भैया हमें भी चलना है सिंगल में, तो आपसे 60 रुपये डिमांड करेंगे, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। ओके, और जैसा कि आपको बता दिया कि अगर अस्थि विसर्जन करने आ रहे हैं तो उसका भी व्यवस्था मैं आपको बता दिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छा लगा। अगर संगम से जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। जैसा कि आपको हमारे चैनल पर माघ मेला से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रही है, इससे रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिल ही रहा है हमारे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।